हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और घर भी होंगे, सुरक्षित होंगे। आज आपका इम्पोर्टेंट सेशन है वैसे तो कॉफ़ी कल्टीवेशन के ऊपर, और क्योंकि आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है और आप लोग जानते हैं कि कॉफ़ी आज प्रेजेंट टाइम में कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन सब के बारे में बाद में आपके साथ मैम डिस्कशन करेंगे। मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कशन ये करने आया हूँ कि अभी रिसेंटली 15 और 17 को दो नए बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री पीजी एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आईसीआर जेआरएफ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नया बैच स्पेसिफिकली ओरिएंटेड फॉर द मास्टर्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनकी प्रिपरेशन जो है उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है कि जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं बेस्ट कंटेंट के साथ साथ क्लासेस, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो आपका एमएससी एंट्रेंस के लिए जो ये बैच रहेगा, ये आपका 15 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ जो आपका एएफओ का है, क्योंकि अभी एएफओ का लास्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जिसके अंदर सीटें भी आपके लिमिटेड रखी गई हैं, इसलिए क्योंकि अभी फोकस बहुत जल्दी करना है और उन्हीं बच्चों पर फोकस करना पड़ेगा जिन बच्चों की ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो आपका है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों ही स्टार्ट होने जा रहे हैं, और ये बैच आपका 17 अक्टूबर लास्ट बैच है। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन एंश्योर कर लीजिए क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपके लिए सीट अवेलेबल ना हो पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 9306021110 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी कॉफी कल्टीवेशन जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, उसके बारे में मैम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चों इतना है कि मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप किसी न किसी मुकाम पर एक दिन पहुँच जाओगे, ठीक है। थैंक यू। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सागरिका शर्मा। तो आज जैसा कि आप जानते हो कि आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है, तो उसी रिगार्डिंग आज हम कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉफ़ी का वो वाला पार्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल होगा, तो उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज जैसे आपको पता है कि 1 अक्टूबर है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो था वो कब डिक्लेयर किया गया था, किस ईयर के बाद से इसको जो है वो एज अ इंटरनेशनल डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 में जो है वो ICO के द्वारा, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 1 अक्टूबर को जो है वो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद एवरी ईयर जो है वो इसको कंटिन्यूसली सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मेनली, अब आप हमें पता है कि किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस क्या होता है, कि उसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना। तो उसी पर्पस के थ्रू जो है वो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर कॉफ़ी ग्रोअर्स को मेनली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्लस कॉफ़ी का जो ट्रेड है उसको फेयर एंड इंक्रीज करने के लिए इसको प्रमोट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1 अक्टूबर को। तो ये तो था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के बारे में। बट इसके बाद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है वो किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस के थ्रू की जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इंपॉर्टेंट है कि कॉफ़ी को किस प्रकार से स्टडी करना है, एग्जाम में किस प्रकार से कॉफ़ी के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कॉफ़ी की फैमिली कौन सी है, ओरिजिन इसका क्या है, ये हमें पता होगा क्योंकि एग्जाम में जो है मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यही क्वेश्चंस आते हैं कि कॉफ़ी का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कॉफ़ी स्पीसी बोलते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि कॉफ़ी को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, अरेबिका कॉफ़ी एंड रोबस्टा कॉफ़ी। तो उसी अकॉर्डिंग इसका साइंटिफिक नेम भी चेंज हो जाता है। अगर हम अरेबिका कॉफ़ी की बात करेंगे तो उसका नेम जो है वो कॉफ़ी अरेबिका हो जाएगा, इसके अलावा जो है वो रोबस्टा हो जाएगा। तो इसकी फैमिली कौन सी, रूबिएसी जो है वो कॉफ़ी की फैमिली है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि किंग ऑफ बेवरेजेस जो है वो कॉफ़ी को ही बोला जाता है। अगर हम आपसे ये बोलूँ कि क्वीन ऑफ बेवरेज कौन है, तो इसका आंसर आपने करना है, तो इसका जो आंसर आपको बताना है कि क्वीन ऑफ बेवरेज किसको बोलते हैं, क्योंकि किंग ऑफ बेवरेजेस जो है वो कॉफ़ी को बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है कि इथोपिया जो है इसका ओरिजिन है, और कुछ एग्जाम्स में एज इट ये क्वेश्चन भी आया है कि कॉफ़ी का जो ओरिजिन है वो क्या है।
इसके अलावा नेक्स्ट है, इसको वही सेम बात है कि इसको किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप्स बोलते हैं। कॉफी इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट कमोडिटी है। इसका रैंक जो है वो आफ्टर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट नंबर सेकंड पे है। तो इसी वजह से आपको ये भी पता होगा कि इस बार इसरो ने जो है वो इंडिया के फार्मर्स को कॉफी ग्रोअर्स के लिए मेनली जो है वो कॉफी बोर्ड ने इसरो के साथ जो है वो कोलेब्रेशन किया है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के थ्रू ये एनालाइज किया गया कि कॉफी कल्टीवेशन के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि बिल्कुल कम टाइम पीरियड, जब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम नज़दीक होता है या फिर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइमिंग के लिए टाइमिंग के पे जो है वो एकदम से अगर रेनफॉल हो जाए या फिर ड्राई स्पेल हो जाए तो कॉफी की कल्टीवेशन पूरी की पूरी जो है वो हार्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इसी वजह से क्या है, इसरो ने इस बार कॉफी बोर्ड ने जो है इसरो के साथ जो है वो कोलेब्रेशन किया है सो दैट की क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज को जो है क्रिएट किया जाए और इससे जो है वो कॉफी ग्रोअर्स को भी फायदा होगा प्लस कॉफी के एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इंडिया को फायदा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन जो थी कॉफी की 16th सेंचुरी में की गई थी। कहाँ से की गई थी, इसको मेनली कर्नाटका में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से, बाय मुस्लिम पिलग्रिमेज को जो के द्वारा इसको जो है वो कर्नाटका में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि कॉफी जो है वो इंडिया में मेनली किस स्टेट में ज़्यादा ग्रो की जाती है, इसकी एरिया प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा है। दूसरा, कॉफ़ी का जो रिसर्च सेंटर है वो भी कहाँ पे, इसका आंसर आपने करना है। तो वेरी गुड, किरण ने बोला है कि टी जो है वो क्वीन ऑफ बेवरेजेस है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा था कि कॉफ़ी का जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जो है कर्नाटका में प्रेजेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटका के अंदर ही जो है वो कॉफ़ी की मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है और इसको इंट्रोड्यूस भी कर्नाटका में ही किया गया था। तो तीनों बातें हमें यहाँ से याद हो जाएंगी इजिली कि इसको किस प्रकार से जो है वो याद करना है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक रीजन की बात आ जाए तो चिकमंगलूर के, कर्नाटका के चिकमंगलूर में जो है इसका रिसर्च स्टेशन प्रेजेंट है और यहीं पर इसका जो है वो मैक्सिमम एरिया इंट्रोडक्शन भी है। दूसरा क्या है, फाउंडर ऑफ कॉफी रिसर्च इन इंडिया। तो ये या तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉफी रिसर्च के फाउंडर कौन है या फिर फादर ऑफ कॉफी कल्टीवेशन भी आपको आ सकता है। तो डॉक्टर एल सी कॉलिमन को जो है वो कॉफी फाउंडर, रिसर्च फाउंडर बोला जाता है। तो ये तो हमारे लिए कॉफी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। इसके पहले हम जो है इसके डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में कॉफी का क्या स्टेटस है, क्या रैंकिंग है, कौन कौन सी स्टेट जो है वो लीड करती हैं, कौन कौन सी स्टेट जो है इसके एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि कॉफी जो है वो टू टाइप्स की होती है, बेसिकली अरेबिका कॉफी एंड रोबस्टा कॉफी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें आगे वैराइटीज में डिस्कस भी करेंगे इसको कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इनके ग्रेन का जो मेनली इनके कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग में डिफरेंस आ जाता है, उसी अकॉर्डिंग बेरी का साइज एंड उसके बाद सीड इसका जो है उसमें डिफरेंसेस आएंगे, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं अरेबिका कॉफी एंड रोबस्टा कॉफी में। तो अब यहाँ पे जो है इसका 2021 के अकॉर्डिंग एंड 22 के अकॉर्डिंग इसका एरिया प्रोडक्शन बताया गया है कि कितना हुआ है और टोटल प्रोडक्शन है ओवरऑल कॉफी का जो कि 3,34,000 समथिंग है। और इसमें परसेंटेज की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली रोबस्टा कॉफ़ी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो हमें एनालाइज अब यहाँ पे हो गया है कि इंडिया में मेनली जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कॉफ़ी की होती है, तो वो रोबस्टा कॉफ़ी है। अप्रॉक्सीमेटली 70% तक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रोबस्टा कॉफ़ी का है और 30% तक जो है वो अरेबिका कॉफ़ी का है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रोबस्टा कॉफ़ी जो है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अगर स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट यहाँ पे लीड करती है। जो स्टेट लीड करती है वहीं पे उसका रिसर्च स्टेशन भी प्रेजेंट होता है। तो एक साथ में हमें 3-4 बातें इसकी याद हो जाएंगी और वही स्टेट लीड करेगी, वहीं पे उसका रिसर्च स्टेशन प्रेजेंट होगा जहाँ पे उसकी ग्रोअर की, वहाँ उसको ग्रो करने की स्पेशलिटी होगी। तो मतलब कि जहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वही, वो भी जो है इसको हमें साथ में याद हो जाएगा कि कर्नाटका में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, यहीं पर इसका रिसर्च स्टेशन और प्रोडक्शन भी जो है वो इसकी यहीं पर प्रेजेंट है। इसके अलावा कर्नाटका लीडिंग स्टेट है, 70% तक जो इंडिया की कॉफ़ी की कल्टीवेशन उसमें कंट्रीब्यूशन कर्नाटका का ही हाईएस्ट है। और अगर हम सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग की बात करें तो केरला एंड तमिलनाडु जो है वो सेकंड एंड थर्ड नंबर पे हैं। और इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि कॉफ़ी जो है वो साउथ इंडिया में मेनली ग्रो की जाती है, क्योंकि कॉफ़ी के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो साउथ इंडिया का ही है। तो ये था हमारा आज का यहाँ पे इसके रैंकिंग के बारे में, कॉफ़ी कल्टीवेशन की इंडिया के अंदर स्टेटस के बारे में।
इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कॉफी की प्रैक्टिसेस के बारे में और कॉफी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी की थी अरेबिका कॉफी के बारे में और रोबस्टा कॉफी के बारे में। इसके अलावा अगर कर्नाटका की बात करें कि कर्नाटका की किस किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी कॉफी की, तो वो कौन कौन से हैं, वही जहाँ पे एक तो उसका स्टेशन प्रेजेंट है चिकमंगलूर में, दूसरा कहाँ पे है कडागो में, दोनों जगह पे इसकी जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है अमंग द कर्नाटका एरिया। तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन कौन सी है, तो वो हमें पता है कि अरेबिका एंड रोबस्टा जो है इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हो कि कॉफी बेरी का जो सीड है दोनों में काफी डिफरेंस है, उनका बेसिकली उनके साइज में भी डिफरेंस है, प्लस दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है और उनका कल्टीवेटेड एरिया जो है वो भी डिफरेंट होता है। तो अगर हम अरेबिका कॉफी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वही सेम है, कॉफी अरेबिका है। क्रोमोसोम नंबर इसका जो है वो 44 है। यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, टेट्राप्लांट स्पीशी है। इसके अलावा ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ फर्टाइल है। इसके अलावा वही सेम बात आ गई कि ये क्या है, एलो टेट्राप्लाइड है। ये हाई एलिवेशन वाले एरियाज में ग्रो की जाती है, तो जिन एरियाज में एलिवेशन हाई होती है साउथ इंडिया के वो वाले एरियाज जहाँ पे हाई एलिवेशन है वहाँ पे अरेबिका कॉफी को जो है वो ग्रो किया जाता है। इसके अलावा रोबस्टा जो है इसको ऑपोजिट है, इसमें क्या होता है ये सेल्फ फर्टाइल थी, ये वाली जो है वो सेल्फ स्टेराइल होती है, इसी वजह से क्या है इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है या इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरे से क्रोमोसोम नंबर भी जो है इसकी हाफ होता है और इसको लोअर कल्टीवेशन लोअर एलिवेशन एरियाज में ग्रो किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें अरेबिका कॉफी की, तो वो एक श्रब है और जो रोबस्टा कॉफी है वो एक ट्री है, तो दोनों में मॉर्फोलॉजिकली बोटैनिकली इतने सारे डिफरेंसेज हैं, तो इसी वजह से इनकी जो स्पीशीज है दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, अरेबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी को। इसके बाद नेक्स्ट आती है ट्री कॉफी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका एरिया भी जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है अगर दोनों के कंपैरेटिव में हम बात करें, बट इसका हमें स्पीशी भी पता होना चाहिए कि ट्री कॉफी जो है इसको किस स्पीशी के नेम से जानते हैं, तो इसको जो है वो कॉफी अरेबिका के नेम से जाना जाता है। तो इसमें इतना ही था, बस हमें पता होना चाहिए कि कॉफी की इंपॉर्टेंट तीन स्पीशीज हैं, बट इंडिया में मेनली फर्स्ट टू ही ग्रो की जाती हैं, कॉफी का अरेबिका एंड रोबस्टा, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी जो है वो इन्हीं दोनों का ही है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा नेक्स्ट है इसके प्लांट की बॉटनी के बारे में, तो कॉफी जो है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉफी जो है वो अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियड कौन सा प्लांट है, तो एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका सीड जो है वो डाइकॉट, उसको एंडोस्पर्मिक डाइकॉट बोला जाता है। अब हमें पता होगा कि मोनोकॉट में और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली वेरी फ्यू प्लांट्स हैं, वेरी फ्यू फ्रूट क्रॉप्स हैं, या वेजिटेबल क्रॉप्स की बात भी करें तो वो भी वेरी फ्यू हैं जो कि मोनोकॉट है। बाकी सारी क्लासिफिकेशन इसके अंदर आती है, डाइकॉट के अंदर आती है। इसका डिफरेंस जो है हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। तो अगर हम प्लांटेशंस की बात करें तो प्लांटेशन के अंदर कोकोनट जो है वो ऑयल पाम्स हैं, वो सारे हमारे मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं, और कॉफी जो है वो डाइकॉट के अंदर आती है। तो यहाँ पे इसी वजह से वो चीज़ लिखी गई है कि डाइकॉट है, मतलब कि जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम पे जो हम फर्स्ट सीड लीफ या एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं वो वहाँ से टू लीफ इमर्ज होते हैं। तो इसी प्रकार से हम उन क्रॉप्स को जिनके सीड से टू लीफ से इमर्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। इसके अलावा कॉफी के सीड के अंदर एक नेचुरल एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज सिंथेज एंजाइम, जो कि सुक्रोज को सिंथेज करने में भी हेल्पफुल होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि कॉफी के सीड के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ग्रीन कॉफी में जो है वो 12% तक मॉइस्चर होता है, मतलब कि जो कॉफी हम हार्वेस्ट करते हैं उसमें जो है वो इतना मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। और जब कॉफी के अंदर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती है जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं कॉफी की, जिसकी वजह से उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उसका टेस्ट सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, उसको रोस्टिंग मेथड बोलते हैं मेनली कॉफी के अंदर जो प्रैक्टिस किया जाता है, और उसके अंदर क्या है 14-20% तक मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कॉफी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एज वेल एज हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि आजकल जो है कॉफी को मेनली स्किन प्रोडक्ट्स में मेनली यूज़ किया जाता है, इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका काफ़ी कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, और नियासिन जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, सभी में जो है वो आजकल कॉफ़ी को सप्लीमेंट ऐड किया जाता है। तो उसका रीज़न भी यही है कि नियासिन जो सब्सटेंस है उसके होने की वजह से क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि स्किन डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल होता है। तो
इसी वजह से आजकल रिसर्च में इसको फोकस किया जा रहा है कॉफी के ऊपर, तभी आजकल जो है वो इन प्रोडक्ट्स में इसको ऐड किया जाता है कॉफी को। सो ड्यू टू द नियासिन, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफी में ऐसा कौन सा यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस और एज वेल एज इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसके अलावा कंजप्शन के अलावा इसके फर्दर यूजेस क्या है वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कंजप्शन वाला हमारा बेवरेज तो नॉर्मल है यहाँ पे, सभी को पता होगा, बट ये वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में भी आपको आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कप क्वालिटी, मतलब कि जो कॉफ़ी को हम कंज्यूम करते हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, रोबस्टा है या फिर अरेबिका कॉफ़ी है, तो अरेबिका कॉफ़ी जो है जिसका प्रोडक्शन कम होता है उसकी कप क्वालिटी जो है वो बेस्ट बेटर होती है इसके कंपेरेटिव टू द रोबस्टा कॉफ़ी। तो इसमें जो है अरेबिका कॉफ़ी जो बेस्ट कप क्वालिटी है, इसमें कैफीन कंटेंट लो होता है, प्लस इसका जो अरोमा है वो फाइन होता है। इसी वजह से जो कॉफ़ी थोड़ी सी कॉस्टली होती है या फिर हम जिसको ब्रांडेड कॉफ़ी बोल देते हैं, मेनली उसमें अरेबिका कॉफ़ी का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें हमारा कैफीन कंटेंट कम होता है प्लस इसकी रोमा जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसी वजह से इसका मेन रीजन भी जो है वो यही है। नेक्स्ट क्या है, अरोमा ऑफ कॉफी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू रोस्टिंग। तो वही सेम बात हमने की थी कि कॉफी की जो इकोनॉमिकल या कमर्शियल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस है वो इसका मेन टेस्ट है और अरोमा है। और हमें ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ आर टेस्ट इज स्मेल, हमारा जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट है वो स्मेल की वजह से ही है। तो अगर अरोमा अच्छी होगी तो टेस्ट भी उसका उतना ही बेटर होगा। तो इसी वजह से क्या है, रोस्टिंग एक मेथड है जो कि कॉफी के अंदर अरोमा को एनहांस करता है। किस कॉफी में मैक्सिमम अरोमा होती है वो हमें पता होना चाहिए, और उसी अरोमा की वजह से उसकी कप क्वालिटी जो है वो बेस्ट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉफ़ी के लिए आइडियल टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे मेन है, क्योंकि आजकल क्या है कॉफ़ी जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि इसरो का कोलैबोरेशन हुआ है कॉफ़ी बोर्ड के साथ, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि कॉफ़ी की जो वैरायटीज थी वो क्लाइमेट के रेजिस्टेंट कम थी, मतलब कि उनके अंदर उस रेजिस्टेंट को क्रिएट करने के लिए उनका कोलैबोरेशन किया गया है, सो दैट कि कॉफ़ी के ग्रोअर्स को इतना नुकसान इसका ना हो। आजकल जैसे एकदम से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोअर्स हैं उनको नुकसान कम करने के लिए इसको जो है वो अभी रेजिस्टेंट वैराइटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सो दैट कि इसकी क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटी हम उसको बोल सकते हैं। तो वैसे तो हम स्टडी करते हैं कि मेनली वैराइटीज जो हैं वो पेस्ट डिजीज़ के रेजिस्टेंट होती हैं, बट कॉफ़ी के केस में क्या है क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सो दैट कि जो इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अगर वो चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैराइटीज भी जो है वो अडॉप्ट हो सकती। तो अब बात करें अरेबिका कॉफ़ी का जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 to 35 है, और रोबस्टा का कितना है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो हमें इतना सा तो पता ही होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर रेंज क्या है। मेनली ये साउथ इंडिया में ग्रो होती है तो साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग इसका जो है वो टेम्परेचर हमें अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद इसकी फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका फ्रूट टाइप क्या है, 2-सीडर ड्रूप है। तो वैसे तो हम ये बोलते हैं कि कॉफ़ी जो है एक बेरी है, कॉफ़ी का फ्रूट जो है वो बेरी फॉर्म में होता है, बट कॉफ़ी जो है वो मॉडिफाइड बेरी है, और उस मॉडिफाइड बेरी को जो है वो ड्रूप बोला जाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफ़ी का जो फ्रूट है वो क्या है, बेरी है या ड्रूप है। तो अगर वहाँ पे मॉडिफाइड बेरी लिखा होगा तो आंसर क्या होगा, मॉडिफाइड बेरी होगा, अदरवाइज क्या है, ड्रूप है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का जो प्रोपेगेशन मेथड है वो क्या है, मतलब कि कॉफ़ी को कैसे प्रोपेगेट किया जाता है, इसका आंसर आपने करना है। उसकी पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉफ़ी के अंदर जो फ्लावरिंग टाइम है वो सितंबर टू मार्च है। इसका पॉलिनेटर क्या है, विंड एज वेल एज हनी भी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉफ़ी दोनों टाइप की कॉफ़ी जो है वो या तो क्रॉस पॉलिनेटेड है या सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें पॉलिनेटर भी चाहिए होता है। तो पॉलिनेटर यहाँ पे क्या है, विंड है प्लस इंसेक्ट है, दोनों ही है, और इसी वजह से हमें पता होना चाहिए कि एनिमोफाइलस और एंटोमोफाइलस दोनों ही इसके जो है वो एज अ पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेशन एजेंट्स हैं। तो किरण ने, स्वाति ने आंसर किया है, बिल्कुल राइट है आपका आंसर कि कॉफ़ी में मेनली जो है वो सीड के थ्रू ही प्रोपेगेशन की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। इसके अलावा क्या है, समर शॉर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए स्लाइट रेनफॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी वजह से क्या है, अगर रेनफॉल नहीं होती, ड्राई स्पेल हो जाते हैं, तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तभी जो है वो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है कॉफ़ी का जो फ्रूट डेवलपमेंट का टाइमिंग है, कितने टाइम में कॉफ़ी का फ्रूट जो है वो आफ्टर द फ्रूट सेट डेवलप हो जाता है। तो अगर हम बात करें अरेबिका कॉफ़ी, तो अरेबिका कॉफ़ी का जो फ्रूट है वो कम टाइम में डेवलप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोबस्टा कॉफ़ी। तो अरेबिका का जो टाइम पीरियड है वो है 8 to 9 मंथ्स का, और रोबस्टा का जो है वो 10 to 11 मंथ्स का है। उनके अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये पूरा एक साल लग जाता है कॉफ़ी के फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए फ्रॉम आफ्टर द पॉलिनेशन या फ्रूट सेट।
अगर इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है यूनिफॉर्म राइपनिंग की, तो बेरीज का यूनिफॉर्म राइपनिंग करना है तो उसके लिए हमें पता है कि राइपनिंग हार्मोन कौन सा है और उसी की लिक्विड फॉर्म को यूज किया जाता है बेरीज को राइपन करने के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो एथरल आएगा और इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि अभी तक हमने किसी में भी इतनी नहीं पढ़ी है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये कंसेंट्रेशन भी आपको एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्लांटिंग एंड प्रोपिगेशन सिस्टम के बारे में, तो अब हमने प्लांटिंग सिस्टम्स को प्रोपिगेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इसका प्रोपिगेशन सिस्टम या प्लांटिंग सिस्टम कौन सा है, इसका ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग सिस्टम में बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम या फिर सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसके अलावा अगर वाइन क्रॉप्स हैं तो उनके अंदर बॉर सिस्टम होगा, निफन सिस्टम होगा या फिर इसका स्पेलियर सिस्टम एप्पल में किया जाता है, पीचेस का मेनली कॉर्डन सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे सिस्टम जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है मेनली वो कौन सा है, इसको सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम बोलती है, तो इसमें जो है वो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन से फ्रूट्स में जो है वो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है और कौन से वाले में जो है वो मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि कॉफी के अलावा बाकी किस किस में आएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है प्लांटिंग टाइम, इसका क्या है जून टू सेप्टेम्बर इसका प्लांटिंग टाइम है, इसका फ्लावरिंग टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली हम इतना ही पढ़ा था, अप्रैल टू सेप्टेम्बर इसका जो है वो फ्लावरिंग टाइमिंग है। नेक्स्ट है इसका सीडलिंग एट बटन टॉप स्टेज, तो मेनली क्या होता है इसकी सीडलिंग को कब ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज हमें एग्जाम में आ सकती है कि कॉफी की सीडलिंग्स को किस स्टेज में जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका जो राइट है वो क्या है, एट बटन या फिर टॉप स्टेज में इसको जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर ओपनिंग ऑफ कॉटिलेडनरी लीफ, मतलब कि जब कॉफी की जर्मिनेशन हो रही है, कॉफी सीड की जर्मिनेशन हो रही है, तो उस टाइम पे उन एम्ब्रियोनिक लीफ के ओपन होने से पहले इसकी पॉली बैग्स में जो है वो ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है फ्रॉम द ट्रेज या बेड्स। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है। और इसके अलावा इसके प्रूनिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, सेंटरिंग है, डी सकरिंग है, हैंडलिंग एंड निपिंग, तो इनका मतलब क्या है, तो हमने बाकी क्रॉप्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, इनको हम आगे जो है वो इमेज के थ्रू डिस्कस भी करेंगे कि क्या होता है। तो किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया है कि यस, किरण ने अभी आंसर किया है कि सिट्रस फिग के अंदर सिंगल सिस्टम है, सिंगल स्टेम सिस्टम है, इसके अलावा पॉमग्रेनेट के अंदर कौन सा है मल्टीपल, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉफी का भी जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सिंगल स्टेम है। अब यहाँ पे आपको माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो बाकी ब्रांचेस भी तो हैं, बट स्टेम का मतलब क्या होता है, जो प्लांट की मेन स्टेम है वो सिंगल है यहाँ पे, तो ब्रांचेस तो होंगी ही वहाँ पे, तो ब्रांचेस अगर होंगी तभी तो कॉफी की प्रोडक्शन या किसी भी फ्रूट की प्रोडक्शन होगी, उसकी प्रोडक्शन पे डायरेक्ट रोल किसका, उसके फ्रूटिंग एरिया का रहता है जो कि जिसको ब्रांचेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उसका ट्रेनिंग सिस्टम है वो क्या है, सिंगल स्टेम्ड है, यहाँ पे भी यही शो हो रहा है और नीचे वाले में शो हो रहा है, तो इसको आप इससे आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि कॉफी का ट्रेनिंग सिस्टम अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, आपके माइंड में फिक्स कर लेते हो, तो आपको एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा कि इसका ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट है, अब यहाँ पे अभी हमने बात की थी कॉफी की जर्मिनेशन के बारे में कि कब इसको पॉली बैग्स में ट्रांसप्लांट करना है, तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लीफ के ओपन होने से पहले इस प्रकार से अब हमें यहाँ से ये भी एनालाइज हो जाएगा कि कॉफी के अंदर जो जर्मिनेशन है वो कौन सी टाइप की है, मतलब कि अभी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सीड की जर्मिनेशन जो है वो 2 टाइप्स के बेसिस पे होती है, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है इस फोटोग्राफ को देख के कि कॉफी के अंदर जो जर्मिनेशन टाइप है वो कौन सी है, एपिजियल है या फिर हाइपोजियल है। इसके अलावा जो बात हमने डिस्कस की थी कि कॉफी के सीड की ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, तो सीडलिंग्स की ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि इनको जो है वो एम्ब्रियोनिक लीफ की ओपनिंग होने से पहले इनको जो है वो बैग्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इसका मेन था यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जर्मिनेशन कौन सी है आपने बतानी है, एपिजियल आएगी या फिर हाइपोजियल आएगी। नेक्स्ट है कॉफी के अंदर इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि एग्जाम में भी आती हैं और इसका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्जाम में आता है कि स्कफलिंग जो है वो किस क्रॉप के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, तो मेनली अभी तक तो यही क्वेश्चन आया है कि स्कफलिंग जो है वो किस क्रॉप के अंदर की जाती है, तो हमें पता चल भी चुका है कि कॉफी के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बट नेक्स्ट एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्कफलिंग होती क्या है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि किसमें होती है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं या फिर उसका पर्पस क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉफी की स्कफलिंग के बारे में, जिसका दूसरा मतलब होता है सॉइल की स्टीरिंग करना, स्टीरिंग करने का पर्पस क्या है कि सॉइल को थोड़ा सा उसके अंदर स्टीरिंग करना, जैसे कि हम किसी भी चीज को बोल देते हैं कि उसको ऊपर नीचे करना, उसका
कॉन्टैक्ट जो है एटमोसफेयर के साथ, उसको डिफ्रेंशिएट करना या उसको डिफरेंट लेयर को डिफरेंट में क्लासीफाई करना, उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टीयरिंग का मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, फॉर कंट्रोल वीड्स एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसको मेनली वीड्स को कंट्रोल करने के लिए प्लस मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इस प्रैक्टिस को यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफ़ी के अंदर मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए किस प्रैक्टिस को यूज़ करती हैं। तो हमें हमारे माइंड में क्या आएगा, या तो मल्चिंग आएगा या फिर हमारा एपोट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना आएगा, तो सारी प्रैक्टिस हमारे माइंड में आएंगी। बट इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका स्कफिंग प्रैक्टिस आएगा। और इसको जो है वो ड्राई पीरियड की स्टार्टिंग से पहले, मतलब कि जब हमारा ड्राई पीरियड समर मंथ स्टार्ट होने वाले होते हैं, उससे पहले इसको परफॉर्म किया जाता है। तो सभी ने, देवेंद्र, किरण, मोनिका, सभी ने इसका आंसर एपिजल किया है। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। कॉफी के अंदर जो है वो आपको देखने में पता चल रहा है कि एपिजल जर्मिनेशन हो रही है, मतलब कि उसका सीड जो है वो जर्मिनेशन होने के बाद अबव द सॉइल आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजल जर्मिनेशन बोलते हैं। और अगर सॉइल सीड जो है वो सॉइल के अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोजल जर्मिनेशन बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस क्रॉप में किस टाइप की जर्मिनेशन होती है, एपिजल या हाइपोजल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को और वेज ग्राफ्टिंग को भी परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो इंपॉर्टेंट प्रोपेगेशन मेथड है वो कौन सा है, वो तो सीड है, बट क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग भी यहाँ पे डिस्कस की गई है, उसका रीजन क्या है। तो मेनली जो है वो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, रीजुविनेशन पर्पस के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। तो रीजुविनेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट अभी काफ़ी मेच्योर्ड हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, तो उसको दोबारा से रीजुविनेट करने के लिए, उसको दोबारा से यंग करने के लिए क्या है, इसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है। तो वो कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफ़ी के अंदर जो है वो रीजुविनेशन किसके थ्रू की जाती है, क्योंकि आपको पता होगा मैंगो में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि मैंगो के अंदर जो टॉप वर्किंग है उसको मेनली रीजुविनेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी प्रकार से मेनली क्रॉप्स में जो है वो टॉप वर्किंग को ही यूज़ करती है, बट यहाँ पे क्या है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को यूज किया जाता है। किस पर्पस के लिए, रीजुविनेशन के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, वेज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा एरिया जो है प्लांटनी का वो नेमाटोड इन्फेस्टेड एरिया है, तो उसी एरिया के लिए स्पेसिफिक जो है उसको रिकमेंड किया जाता है। तो दोनों ही जहां पे इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा क्या है, टॉपिंग एंड कैपिंग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस कौन सी है, टॉपिंग और कैपिंग। इसका मतलब क्या है, कल्चर प्रैक्टिस टू रिस्ट्रिक्ट बुश टू ए कन्वीनियंट हाइट प्रैक्टिस इन वेट कॉफी प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, टॉपिंग करना। अब टॉपिंग का मतलब क्या होता है कि प्लांट का जो मेन पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, उसके लीफ को रिमूव करना, उसके टर्मिनल पोर्शन को रिमूव करना, उसको टॉपिंग बोला जाता है। तो अगर हम टर्मिनल पोर्शन को ही रिमूव कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, प्लांट की हाइट तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। तो उसी पर्पस के लिए जो है इसको यूज किया जाता है कॉफी के अंदर भी, और मेनली इसको जो है वो बुश टाइप कॉफी में यूज करती है उसकी हाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और अब यहाँ पे दूसरी बात लिखी गई है, वेट प्रोसेसिंग। तो कॉफ़ी के अंदर दो टाइप्स की प्रोसेसिंग होती हैं, वेट प्रोसेसिंग एंड ड्राई प्रोसेसिंग। अब आपको ये बताना है कि कौन सी कॉफ़ी में, अरेबिका की बात करें तो उसमें कौन सा प्रोसेसिंग मेथड है, और रोबस्टा की बात करें तो उसमें कौन सा प्रोसेसिंग मेथड है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट और ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, वैराइटीज का, क्योंकि एग्जामिनर का भी यही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम में, वैराइटी से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस बार अगर आपने एएफओ का एग्जाम दिया था मेंस का, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कॉफ़ी की वैराइटी से क्वेश्चन आया था, और वो जो वैराइटी थी वो कॉफ़ी की जीआई टैग वैराइटी थी। तो इसी प्रकार से वैराइटीज पढ़ना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसकी बाकी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस को पढ़ना। तो अगर बात करें यहाँ पे वैराइटीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉफ़ी की वैराइटी है वो है केंट वैराइटी। एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है कि कॉफ़ी की केंट जो है वो किस की वैराइटी है, किस प्लांट की है, किस प्लांटेशन क्रॉप की वैराइटी है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कॉफ़ी की वैराइटी है। इसके अलावा हमने डिस्कस करना स्किप हो गया कि कॉफ़ी जो है वो किस कैटेगरी में आती है, फ्रूट्स की कैटेगरी में है, प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में है, ऑर्नामेंटल की कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में आएगी, मेडिसिनल और एरोमेटिक में आएगी। तो आपको इसका आंसर करना है कि कॉफ़ी जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, हॉर्टिकल्चर की किस ब्रांच में आएगी। इसके अलावा जो कैंट वैराइटीज की स्पेसिफिकेशंस भी हमें पता होनी चाहिए, अर्लीस्ट वैरायटी है कौन सी टाइप की है, अरेबिका कॉफी की है, इसके अलावा ये म्यूटेंट वैरायटी भी है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से एग्जाम में आता है कि कॉफ़ी की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, किसी भी क्रॉप की म्यूटेंट वैरायटी जो है वो उसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देती है। तो यहाँ पे कैंट वैरायटी तो इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा ये म्यूटेंट भी है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी की जो म्यूटेंट वैरायटी है वो कैंट है, और कैंट जो है वो अरेबिका कॉफ़ी है। इसके अलावा किरण ने आंसर किया है प्लांटेशन। तो यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कॉफ़ी जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। इसके साथ ही आप अब दूसरा आंसर भी कर दो कि प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर और कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं।
नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो कावेरी वैरायटी है जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आ जाती है कि कावेरी जो है वो किस कॉफ़ी की किसकी वैरायटी है, तो ये कॉफ़ी की है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है टू ऑल रेसेज ऑफ कॉफ़ी रस्ट। अब कॉफ़ी का जो मेजर डिजीज़ है वो आप सभी ने सुना होगा किसकी वजह से होता है, हमेलिया बेस्टेक्स की वजह से होता है, जिसको हम कॉफ़ी रस्ट बोलते हैं। बहुत एग्जाम्स में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कॉफ़ी का जो रस्ट है उसको कौन कॉज करता है, तो हमेलिया जो है जीनस उसको कॉज करता है, और ये वैरायटी जो है उसी के रेजिस्टेंट है, तो इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी भी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉफ़ी की जो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी है। और दूसरा क्या है, ये इंडिया की भी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, दोनों आपको ध्यान में होनी चाहिए, कैंट प्लस कावेरी दोनों कॉफ़ी की इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। एक म्यूटेंट वैरायटी है, एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, और दूसरा क्या है, बाकी की जो वैरायटीज हैं सेलेक्शन 8, 7, 9, 5, 9, 10, इसको ध्यान में रख लेना कि ये कॉफ़ी की वैरायटीज जो कि सिलेक्शन वाली हैं। बाकी एग्जाम में आपको आ सकता है कि कॉफ़ी की सिलेक्शन वाली वैरायटीज कौन कौन सी हैं, तो आपको नंबर जरूर याद होना चाहिए कि 8, 9, 10 है, इसके अलावा 7, 9, 5 है, दोनों इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। सैन रोमन जो है इसकी, सैन रोमन दूसरी म्यूटेंट वैरायटी है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंट वैरायटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आपने ध्यान में रखना है, इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। अब हम बात करते हैं, यस किरण ने बोला है कि ये कॉफ़ी का इंसेक्ट जो है वो RRBSO में डिजीज है, ये वाला इंसेक्ट नहीं है, रस्ट मेनली आपको पता होगा कि डिजीज़ की वजह से कॉज होती है, तो डिजीज़ को कौन डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया है या फंजाई है, वायरस है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो ये फंगस है जो कि हिमालयी बेस्टिक्स जिसको बोलते हैं, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है कॉफ़ी की जो GI टाइप वैराइटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि कॉफ़ी का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका में होता है, इसका रिसर्च स्टेशन भी कर्नाटका में ही है, तो इसकी जो मोस्ट ऑफ द GI टाइप वैराइटीज़ हैं वो भी कर्नाटका की ही हैं, क्योंकि कर्नाटका एरिया की स्पेसिफिकेशन है इन द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, तो इसी वजह से मेनली कर्नाटका केरला की ही वैरायटीज हैं सारी जो कि GI टैग्ड हैं कॉफ़ी के अंदर। तो ये कौन कौन सी हैं हमें पता होना चाहिए, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कॉर्ग जो है वो किस क्रॉप की वैरायटी है, इसके अलावा हमें इतना तो पता है कि कॉर्ग जो है वो एक फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है, तो बता सकती हो कि कौन से फ्रूट क्रॉप की कॉर्ग वैरायटी है, और यहाँ पे कॉफ़ी की है ये वैरायटी जो कि अरेबिका कॉफ़ी है, और ये कर्नाटका की GI टैग्ड है। इसके अलावा अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो चिकमंगलूर जो कि कर्नाटका में इसका रिसर्च स्टेशन है कॉफ़ी का, वो भी इसी जगह पे है, दूसरा इसके प्रोडक्शन भी हाईएस्ट यहीं पे है, तो ये तो हमें नेम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, कॉफी का ही GI टैग्ड वैरायटी है। इसके अलावा अगर बात करें वियांड जो है इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है कॉफी की जो कि एग्जाम में आ सकती है आपको, और अरकू वैली अरेबिका कॉफी जो है इंपॉर्टेंट है, अरकू वैली आ सकता है कि किस क्रॉप की वैरायटी है, तो अरकू वैली जो है वो कॉफी की GI टैग्ड वैरायटी, और कहाँ की GI टैग्ड है, आंध्र प्रदेश की ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो सारी जो थी इसकी वैरायटीज थी आपको ध्यान में होनी चाहिए। मालाबार कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मालाबार जो है वो किस प्लांट की किस क्रॉप की वैरायटी है, तो मालाबार मेनली कॉफी की वैरायटी है जो कि केरला एरिया में ग्रो की जाती है, केरला के अंदर आपको पता होगा मालाबार एरिया है, तो वहीं पे इसको ग्रो किया जाता है, और इसी वजह से वैरायटी जो है ये इंपॉर्टेंट है। किरण ने बोला है पपाया की कॉर्ग हनीड्यू वैरायटी है, तो ओनली मैंने हनीड्यू कॉर्ग हनीड्यू तो डिफरेंट हो गया, आपको ध्यान में आ जाएगा कि पपाया की वैरायटी है, बट ओनली कॉर्ग वैरायटी है, तो ये बताना है आपने किस क्रॉप की है, कॉफी के अलावा किसकी है, ओनली कॉर्ग। इसके अलावा नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, तो अब हम कल्टीवेशन अगर हमने पढ़ी है तो हमें ये भी पता होनी चाहिए कि हार्वेस्टिंग क्या है, किस प्रकार से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है हार्वेस्टिंग की कॉफ़ी के अंदर परफॉर्म की जाती है, तो पपाया इसका आंसर ठीक है, कॉर्ग हनीड्यू की बात करें तो पपाया इसका आंसर है, बट अभी तक किसी ने भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं किया है, जो कि एग्जैक्ट एज इट इज़ उसका नेम है, तो भी आपने इसका आंसर करना है, अभी तक मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो हार्वेस्टिंग में मेनली जो है वो काफ़ी टाइप के इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, वो किस किस बिहाव पे, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, फ्लाई पिकिंग। फ्लाई पिकिंग का मतलब क्या होता है कि जो सिलेक्टिव बेरीज हैं जो कि सुपीरियर क्वालिटी की हैं या फिर जिनकी राइपनिंग पहले हो गई है, मेच्योरिटी पहले आ गई है, उनको हमने हार्वेस्ट करना है, तो जो फर्स्ट पिकिंग में हम हार्वेस्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई पिकिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिव पिकिंग ऑफ राइप बेरीज, तो सिलेक्टिवली जो फर्स्ट टाइम पिकिंग हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई पिकिंग बोलते हैं। इसके अलावा यस वेरी गुड पंकज जी ने आंसर किया है, मैंडरिन की वैरायटी है, तो मैंडरिन की ही वैरायटी है कॉर्ग, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा मैंडरिन की है या स्वीट ऑरेंज की है, पंकज ये मैंडरिन की है या स्वीट ऑरेंज की है, अगर आपने
आपको पता है कि किसकी है, प्लस आपने ये भी बताना है कि किस एरिया की है ये, किस एरिया में फेमस है। इसके अलावा है मेन पिकिंग। तो मेन पिकिंग का मतलब क्या है कि जब हमने फर्स्ट पिकिंग कर ली है, फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग कर ली है राइपर बेरीज की, उसके बाद कंटिन्यूसली अगर हम पिकिंग कर रहे हैं आफ्टर द राइपनिंग ऑफ बेरीज, तो 4 to 6 पिकिंग में मेनली जो है वो जितनी भी फ्राई पिकिंग के बाद 4 to 6 पिकिंग होंगी 10 to 15 डे के इंटरवल पे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेन पिकिंग बोलेंगे या फिर मेन हार्वेस्टिंग बोलेंगे। उसके बाद थर्ड आती है टर्म स्ट्रिपिंग। अब आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि स्ट्रिपिंग तो जूट में भी होती है, तो जूट में डिफरेंट चीज़ है, जूट में वो प्रोसेसिंग मेथड है और यहाँ पे क्या है हार्वेस्टिंग मेथड, तो दोनों में डिफरेंस है काफी, तो इसको कंफ्यूज नहीं होने देना। यस, किरण ने बोला है, पंकज, दोनों का आपका आंसर राइट है कि मैंडरिन जो है, कॉर्ग जो है वो मैंडरिन की ही वैरायटी है। तो अभी आपने ये बताना है कि किस एरिया की फेमस है ये वाली। अब नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है, पिकिंग ऑफ रिमेनिंग ग्रीन बेरीज। अब क्या मतलब है कि जो बेरीज राइपन नहीं हुई है, थोड़ी सी अभी उनका प्रोसेस अभी जो है रिमेनिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो राइपन के बाद जो रिमेनिंग बची है वहाँ पे प्लांट के ऊपर, उनको हार्वेस्ट करना, उनको पिक करना, उस मेथड को क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं, जिसको फाइनल हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है। तो आपको दोनों ही टर्म्स आ सकती हैं। कॉफी के अंदर कौन कौन सी हार्वेस्टिंग है, फ्लाई हार्वेस्टिंग वेरी फर्स्ट वाली, उसके बाद है मेन हार्वेस्टिंग 4 to 6 पिकिंग वाली, उसके बाद लास्ट में आती है इसकी हमारी स्ट्रिपिंग, जो कि जूट का भी मेथड है, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो प्रोसेसिंग मेथड है, यहाँ पे इसका क्या है हार्वेस्टिंग मेथड है। तो यस मोनिका, जो कॉर्ग है वो साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। किरण, महाराष्ट्र की नहीं है ये, साउथ इंडिया की वैरायटी है। इसके अलावा है क्लीन फैलिंग इज नॉट एडवोकेटेड इन कॉफी, मतलब कि फैलिंग का मतलब है कि कॉफी का गिरना, ये इसमें इतना जो है एनालिसिस नहीं किया जाता। जस्ट राइपन्ड बेरीज आर आइडियल फॉर पल्पिंग टू प्रिपेयर वॉश्ड पैचमेंट कॉफी। तो अब क्या है कि कॉफ़ी की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका प्रोसेसिंग का, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंस ही है। अगर हम राइपन बेरीज की बात करें तो बेरीज का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता, ना ही इसकी इतनी मार्केटिंग या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, बट जो कॉफ़ी का बीन होता है आफ्टर द रोस्टिंग प्रोसेस, वो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और वही जो है इसके कॉस्ट को भी इन्हांस करता है। तो इसी वजह से क्या है, अब हमने क्या करना है, राइपन बेरीज के जस्ट आफ्टर क्या है, उसकी पल्पिंग की जाती है। पल्पिंग का मतलब क्या है कि के अराउंड जो पल्प है उसको रिमूव करना है, प्लस सीड को वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको पल्पिंग बोला जाता है। इसको वॉश्ड किया जाता है, उसके बाद इसके पार्चमेंट कॉफी में इसको कन्वर्ट करते हैं। पार्चमेंट कॉफी का मतलब होता है कि जो कॉफी का सीड है, डी हर्ड सीड को जो है वो पार्चमेंट कॉफी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी था। इसके अलावा नेक्स्ट है डिफेक्टिव ब्रोकन बिट्स ऑफ कॉफी सीड्स आर नोन एज ग्रेग, दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंस्टेंट कॉफी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि ट्रियाग टर्म जो है वो किस प्लांटेशन क्रॉप के साथ रिलेटेड है और इसका मतलब क्या है। तो कॉफी के जो ब्रोकन नट्स, ब्रोकन सीड्स होते हैं, उनको ट्रैग बोलते हैं, और इसको इंस्टेंट कॉफी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब कि जो पाउडर है। तो देवेंद्र ने आंसर किया है पंजाब, तो पंजाब तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं आएगा, तो आपने कहाँ से पढ़ लिया पंजाब इसका आंसर, तो इसको ध्यान में रखना, ट्रैग जो है इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉफी की प्रोसेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अब ये क्या था, कॉफी के अंदर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, इसको किस प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग या फिर जिसको हमने पिकिंग बोला था वो की जाती है, प्लस इस प्रकार से ये हार्वेस्टेड बेरीज हैं, हार्वेस्टिंग के बाद इनका क्या किया जाएगा, डी पल्पिंग की जाएगी, उसके बाद इसके जो है सीड को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। प्रोसेसिंग से पहले वाले ये सारे प्रोसेसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है प्रोसेसिंग की। तो कॉफ़ी के अंदर जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, इनके अंदर प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी वजह से ही हमने इनको प्लांटेशन की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, क्योंकि इनके जो मेन इकोनॉमिकल मार्केटिंग जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोसेसिंग की वजह से ही है। तो प्रोसेसिंग मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। तो कौन कौन से हैं प्रोसेसिंग मेथड, सबसे पहले क्या है, प्रेपरेशन ऑफ पार्चमेंट कॉफी। पार्चमेंट की बात अभी हमने की थी कि जो कॉफी की बेरी है, जिसको ड्रूप बेरी बोलते हैं, हम उसके बेरी का पल्पिंग करना, पल्प को रिमूव करना और उसके सीड को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, डी हर्ड, मतलब सीड को पल्प से एक्सट्रैक्ट किया है बट उसकी हलिंग नहीं की है, उसको जो है वो पार्चमेंट कॉफी बोलते हैं। इसके अलावा इसके मेथड कौन कौन से हैं, पल्पिंग है सबसे पहले, उसके बाद है डी म्यूसिलेजिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इसके बाद क्या है, उसके फर्मेंटेशन के बाद क्या है, ड्राइंग की जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसकी प्रोसेसिंग ड्राइंग टाइम तक जो है वो इंपॉर्टेंट, ड्राइंग टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लांटेशन और पार्चमेंट कॉफी बाय वेट प्रोसेसिंग मेथड और चेरी कॉफी बाय ड्राई प्रोसेसिंग मेथड। तो इसके अलावा इंडिया में जो है वो अरेबिका कॉफी को प्रोसेस किया जाता है बाय पार्चमेंट कॉफी मेथड, और रोबस्टा को जो है वो ड्राई सॉरी चेरी मेथड के थ्रू डेवलप किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोबस्टा कॉफी जो है वो ड्राई प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू डेवलप होती है,
और जो अरेबिका कॉफ़ी है वो वेट प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू डेवलप होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों कॉफ़ीज़ में डिफरेंस क्या है, वेट प्रोसेसिंग के थ्रू कौन सी प्रोसेस होती है, ड्राई प्रोसेसिंग के थ्रू कौन सी प्रोसेस होती है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अरेबिका जो है वेट प्रोसेसिंग के थ्रू है और रोबस्टा जो है वो ड्राई प्रोसेसिंग के थ्रू है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसका कॉफ़ी का फर्मेंटेशन, जो अभी हमने पढ़ा था नेचुरल फर्मेंटेशन जो है, टाइमिंग क्या है उसकी कॉफ़ी के अंदर, वो टाइमिंग है इसकी 24 to 36 hours फॉर अरेबिका कॉफ़ी एंड 72 hours फॉर रोबस्टा कॉफ़ी। इसके अलावा टाइम फॉर अल्कली ट्रीटमेंट, तो जो अल्कली ट्रीटमेंट है बेसिकली जो हमने प्रोसेसिंग में टर्म यूज़ करते हैं हम, उसमें भी जो है वो पीलिंग की जाती है, बेसिकली उसको लाइव पीलिंग बोलते हैं, वो भी सेम ही मेथड होता है, 10% कॉस्टिक सोडा के थ्रू की जाती है। और यहाँ में भी क्या है, अल्कली ट्रीटमेंट करना है, सो दैट कि उसकी ये हम बोल सकते हैं कि उसकी डी हलिंग वाले मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, उसकी अल्कली ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। अल्कली में आपको नेम आ सकता है कि 10% कॉस्टिक सोडा जो है वो कौन सी अल्कली को कॉफ़ी के अंदर प्रोसेसिंग टाइम पर यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी टाइमिंग जो है वो 1 hour से लेके 1.5 hour तक है, तो 1.5 hour तक इसको बोल सकते हैं रोबस्टा की और अरेबिका की। इसके अलावा क्या है, कॉफ़ी ब्लेंडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, इसको ब्लेंड करना सो दैट कि उसका जो कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, वो सारा डेवलप हो सके, उस चीज़ को कॉफ़ी ब्लेंडिंग बोला जाता है। तो इसमें मेन क्या है, किस एडिटिव को ऐड कर दिया किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि चाइचोरियम को जो है इसमें एज ए एडिटिव ऐड किया जाता है टू ब्लेंड द कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कि हमने स्कफलिंग पढ़ी थी, इसके अलावा टॉपिंग पढ़ी थी, या फिर इसका ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है, इसके अलावा इसके प्रोसेसिंग मेथड्स कौन कौन से, पिकिंग मेथड इसके क्या हैं, ये सारे अच्छे से पता होने चाहिए। नेचुरल फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉफ़ी के सीड के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो उसी एंजाइम की वजह से जो कि सुक्रोज को फर्मेंट करने का, मतलब सुक्रोज को जो है वो कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो उसी वजह से क्या है, नेचुरल फर्मेंटेशन मतलब क्या है कि जब हम उसको वेट करेंगे विदाउट एनी एडिशन जो है उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, तो उसको नेचुरल फर्मेंटेशन बोलते हैं ड्यू टू उस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉफ़ी का साइकिल, लाइफ साइकिल, प्रोसेसिंग से लेके फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, और हार्वेस्टिंग के बाद भी प्रोसेसिंग तक का। तो कैसे होता है, पहले फ्लावर जो है इसकी इस प्रकार से है, और उसके बाद कॉफ़ी का फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फ्रूट के डेवलपमेंट के बाद बेरी राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है, बेरी राइपनिंग के बाद क्या है, इस प्रकार से इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, डी हलिंग बोल सकते हैं, जो हमने पढ़ा था कि डी पल्पिंग, पल्पिंग को रिमूव करना इस मेथड को हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो जो हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा था हार्वेस्टिंग के इमीडिएटली बाद वाला, वो ये वाला मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डी हलिंग। तो इन सभी में जो है वो कॉफ़ी बीन का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स किए गए हैं, और ये वाला मेथड हम बोल सकते हैं कि रोस्टिंग तक पहुँच गया है, रोस्टिंग के बाद जो है इसका पाउडर फॉर्म में इस बीन को, जो सीड है कॉफ़ी का बेसिकली रोस्टेड सीड है, उसके बाद इसकी जो है वो पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कॉफ़ी की सारी स्टेजेस हैं जो कि हमारी फ्लावरिंग से लेके प्रोसेसिंग तक की हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपके माइंड में इमेज क्लियर है तो आपको ध्यान में रहेगा कि कॉफ़ी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं, पिकिंग्स कौन कौन सी हैं, प्लस इसकी प्रोसेसिंग एंड हार्वेस्टिंग स्टेजेस भी कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्रॉप के लॉसेस जो हैं वो मेनली आपको पता है किसी भी क्रॉप के लॉसेस मेनली या तो वीड्स की वजह से होंगे या फिर पेस्ट डिजीज डिसऑर्डर्स की वजह से होंगे। तो ये हमारे वही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कल्टीवेशन के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो यही बनती है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को कैसे बचाना है उसके लॉस से। तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, बीन डिसऑर्डर्स आर कॉमन इन अरेबिका कॉफ़ी। तो जितने भी बीन के डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली अरेबिका कॉफ़ी के अंदर पाए जाते हैं, और ब्लैक बीन, ब्लैक जोलो, नॉर्मल जोलो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक जोलो जो है वो किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो ये किसका है, कॉफ़ी का है। इसके अलावा ब्लैक बीन भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है कॉफ़ी का। पी बेरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पी बेरी जो है वो किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो ये भी पी कॉफ़ी का है। इसमें क्या है, इस प्रकार से नॉर्मल फ्लैटन बीज जो है वो पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसके इससे कॉफ़ी की इकोनॉमिकल प्लस इसकी मार्केटिंग इंपॉर्टेंस दोनों ही रिड्यूस हो जाती हैं, और उसका प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसके अंदर प्रॉपर टेस्ट और अरोमा जो है वो नहीं डेवलप हो पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, पी बेरी बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ से इमेज में देख के, डिफ्रेंशिएट देख के आपको क्लियर याद रहेगा कि पी बेरी जो था वो किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर था।
इसके अलावा नेक्स्ट है फॉल्स पॉलीएम्ब्रोयनी ट्रायंगुलर सीट। तो ट्रायंगुलर सीट जो है इसका डिसऑर्डर है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ थ्री और मोर सीट्स होती है एक बेरी के अंदर, तो इसमें बस इतना ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है एलिफेंट बीन। एलिफेंट बीन में क्या है कि मोर देन वन एम्ब्रियो जो है वो एव्यूल जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम जो है वो ये बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है ब्लैक बीन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कॉफी का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर कौन सा है? ब्लैक बीन है, जिसमें बीन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, प्लस उसका टेस्ट भी जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बीन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डिप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग बेरी डेवलपमेंट, तो उसमें कलर जो है उसका ब्लैक आ जाता है, जो कि यहाँ पे इसको एज अ डिसऑर्डर हम इसको स्टडी करते हैं। तो कॉफी के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट है, पी बेरी प्लस ब्लैक बेरी, दोनों इंपॉर्टेंट इसके डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्या है? प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप का क्यों होगा ये तो हमें भी पता है कि किसी भी क्रॉप का अगर ड्रॉप हो रहा है उसकी मैच्योरिटी से पहले, तो उसके रीजंस क्या होंगे? बायोटिक भी हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल एबायोटिक रीजंस भी हो सकते हैं। तो मेनली न्यूट्रिशनल इंबैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, या फिर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस इसका रीजन हो सकता है। वो सभी में कॉमन ही रहते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ये कॉमन ही है। नेक्स्ट है पेस्ट एंड डिजीज। तो कॉफ़ी की सबसे इंपॉर्टेंट, कॉफ़ी का जो डिजीज़ है वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कॉफ़ी रस्ट जो है वो कॉफ़ी का इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो रस्ट के सिम्टम क्या है वो आपको पता है कि रस्ट किस प्रकार से होती है और इसको कॉज कौन करता है, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि हिमालया वेस्ट्रेप्स जो है इसको कॉज करता है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि कॉफ़ी रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉफ़ी बेरी बोरर, जो कि नेक्स्ट कॉफ़ी का इंपॉर्टेंट डिजीज है। कॉफी के बैरी बोर, कॉफी को बैरी बोरर का अटैक हो जाता है, कॉफी का पेस्ट बोल देंगे इसको, डिजीज नहीं बोलेंगे। कॉफी बैरी बोरर जो इसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसको कौन कॉज करता है? हाइपोथैलेमस हैम्फी जो इसको कॉज करता है और ये इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लस इसका कंट्रोल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको जो है वो इसका बायो कंट्रोल क्या है, इसको फंगस कंट्रोल करती है, जिसको बेबियोनिया बेसिनिया बोलते हैं, जो कि मेनली हमारी शुगर केन की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, उनके भी जो बोरर बोरर पेस्ट के बोरर सारे पेस्ट हैं उनको भी यही कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे भी जो है कॉफी के अंदर भी यही कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि कॉफी के अंदर जो है वो कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है और किस पेस्ट के लिए, और उसका जो है वो नेम आपको दोनों ही आ सकते हैं, इसका पेस्ट का भी और उसका बायो कंट्रोल एजेंट का भी। नेक्स्ट है शॉर्ट होल बोरर, तो ये भी सेम इसका जो है वो मेन एक्सटेंसिव टनलिंग जो है वो बेरीज के अंदर हो जाती है, तो उसको बेरीज के अंदर प्लस प्लांट की जो मेन शूट है, मेन स्टेम है, उसके अंदर जो है एक्सटेंसिव टनलिंग हो जाती है, इसकी वजह से प्लांट पूरा का पूरा वहाँ पे गिर जाता है। नेक्स्ट आता है कॉफी नेमाटोड, इंपॉर्टेंट पेस्ट प्लस डाई बैक इन कॉफी। तो अब ये सारे जो थे इसके पेस्ट एंड डिजीज थे, डिजीज मेन ही एक इंपॉर्टेंट है, कॉफी रस्ट और बोरर बेरी बोरर जो है इंपॉर्टेंट इसका पेस्ट है। तो अब ये था कॉफ़ी कल्टीवेशन के बारे में, प्लस कॉफ़ी का इंटरनेशनल जो आज हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में कि ये क्या है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका जो है कब से इसको स्टार्ट किया गया था, इसकी वजह से नेक्स्ट कॉफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कॉफ़ी के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इसकी वैल्यू को इन्हांस करते हैं, प्लस कॉफ़ी की प्रोसेसिंग क्या है, कॉफ़ी की कौन कौन सी मेन स्पीशीज़ हैं, इसकी कौन सी जी ए टैग वैराइटीज़ हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की मैक्सिमम चांसेस थी। तो आई होप कि आपको आज कॉफ़ी वाला लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, प्लस आपको मैक्सिमम ग्रैप भी हुआ होगा कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ को पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।